नाबालिग से यौन शोषण मामले में जोधपुर की SC/ST कोर्ट ने आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट ने दो अन्य दोषियों शिल्पी और शरद के लिए भी 20-20 साल की सजा मुकर्रर की। आसाराम को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और यौन अपराध बाल संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया। कोर्ट के इस फैसले से जहाँ पीड़िता के परिवार ने राहत की सांस ली, तो वहीं आसाराम के समर्थक काफी निराश हैं। ढोंगी बाबा आसाराम के समर्थक सुबह से ही उसकी रिहाई के लिए जगह जगह पूजा पाठ कर रहे थे। यहाँ तक कि खुद आसाराम भी अपने लिए भगवान से रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अदालत के विशेष न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा ने आसाराम की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए उसे नाबालिग बच्ची से यौन शोषण का दोषी करार दिया। बताया जा रहा है कि कोर्ट में आसाराम ने अपनी उम्र और खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए रहम की भीख मांगी थी, लेकिन अदालत ने साफ कर दिया कि बलात्कारी बलात्कारी ही होता है, फिर चाहे वो आसाराम हो या फिर कोई आम आदमी। वही अदालत ने आसाराम के साथ साथ दो अन्य दोषियों शिल्पी और शरद के लिए भी 20-20 साल की सजा मुकर्रर की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की एक नाबालिग लड़की ने आसाराम पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। आरोप था कि आसाराम ने जोधपुर के बाहरी इलाके में स्थित अपने आश्रम में उसके साथ गलत हरकत की। जिस समय पीड़िता आश्रम में रह रही थी वह 16 साल की थी। इसके बाद पीड़िता ने दिल्ली के कमला मार्केट थाने में यह केस दर्ज कराया, जिसके बाद इसे जोधपुर स्थानांतरित किया गया। पुलिस ने आसाराम के खिलाफ पॉक्सो और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया था, जिसके बाद आसाराम को जोधपुर पुलिस ने 31 अगस्त साल 2013 को गिरफ्तार कर लिया। कहते हैं कि कानून की चक्की धीरे चलती है लेकिन पिस्ती बारीक है। आसाराम के मामले में फैसला देरी से आया लेकिन दुरुस्त आया। इस फैसले पर जहां पीड़िता के परिवार ने खुशी जताई है, तो वहीं आसाराम के समर्थकों में भारी निराशा है। कहा जा रहा है कि अब आसाराम के वकील ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।